अरे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 to 8 के लिए जो मिशन बुनियाद में हिंदी कहानी की बुक मिली है उसमें शरारत की पुड़िया कहानी को, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर को। इससे पहले जितने भी कहानी है सबका सॉल्यूशन अपलोड है, देख सकते हो। साथ में जो हमारा गणित बुक मिली है उसका भी सॉल्यूशन अपलोड है, वो भी देख सकते हो। तो पहले कहानी को पढ़ेंगे फिर करेंगे क्वेश्चन आंसर। मैं आज अपने घर लौटा तो घर की हालत देखकर मेरा सिर चकरा गया। मेज पर किताबें उल्टी पुल्टी रखी थी। कुशन जो सोफे पर रहता था वह ज़मीन पर गिरा हुआ था। कुशन के हाथ पैर तो होते नहीं जो खुद नीचे गिर जाए। ज़रूर यहाँ कोई आया है और जानबूझकर ऐसा किया है। घर के लोग बुआ की बेटी की शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। उन्होंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया होगा कि घर कितना बिखरा हुआ है। अब इस बात का पता मुझे ही लगाना होगा कि ये सब किसकी हरकत है। मेरे दिमाग में अभी भी यही प्रश्न चल रहा है कि आखिर ये सब किसने किया होगा। यही सोचते हुए मैंने कपड़े बदले, थोड़ा आराम किया, फिर अपना जासूसी दिमाग चलाने लगा, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि ये कैसे हुआ। जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बरामदे में जाकर बैठ गया। अचानक मेरी नज़र हिलते हुए पर्दे पर पड़ी। मैं दबे कदमों से पर्दे की तरफ बढ़ा, फिर धीरे से पर्दा हटा दिया। वहाँ एक भूरी बिल्ली थी। मुझे देखते ही वह म्याऊं म्याऊं करने लगी। शायद वह भूखी थी। मैंने उसे कटोरी में दूध दिया। मुझे हंसी आ गई क्योंकि मैंने जो कुछ भी सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। ये सारा काम इसी शरारत की पुड़िया का था, अर्थात बिल्ली का था। अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ। शरारत की पुड़िया क्वेश्चन 1। लड़के के घर पर पहुंचने पर घर की हालत कैसी थी? आंसर, लड़के के घर पहुंचने पर घर की हालत ख़राब थी। मेज़ पर किताबें उल्टी पुल्टी और सोफे का कुशन ज़मीन पर गिरा हुआ था। क्वेश्चन 2, लड़के को किस बात पर हंसी आ गई? आंसर, लड़के ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं था। यह काम एक भूखी भूरी बिल्ली का था, यही सोचकर लड़के को हंसी आ गई। क्वेश्चन 3, लड़का घर की हालत के लिए किसे जिम्मेदार समझ रहा था और क्यों? आंसर, लड़का घर की हालत के लिए घर के बाकी लोगों को जिम्मेदार समझ रहा था क्योंकि सभी शादी की तैयारी में व्यस्त थे। क्वेश्चन 4, शरारत की पुड़िया शब्द का क्या मतलब है? इस शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। आंसर, शरारत की पुड़िया शब्द का अर्थ है बदमाश या नटखट बालक। पहला वाक्य, मदन का छोटा भाई शरारत की पुड़िया है। दूसरा, छोटे बच्चे शरारत की पुड़िया होते हैं। तीसरा, हर घर में एक शरारत की पुड़िया ज़रूर होती या फिर होता है, इससे अलग भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन 5, जासूसी का क्या मतलब है? क्या आपने कभी जासूसी की है? कब और कैसे? अपना अनुभव लिखिए। आंसर, जासूसी का मतलब खोजबीन या किसी गुप्त बात का पता लगाना है भी लिख लेना आप, ठीक है। मैंने भी बचपन में अपने बड़े भाई की संगत का पता लगाने के लिए जासूसी की है ताकि उसकी संगत के बारे में पापा को बता सकूं। आप इससे अलग भी लिख सकते हो। इसी के साथ ये कहानी कंप्लीट हुई। कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।